दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको रैप रिबॉर्न का सीजन 2 पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आप लोगों को भी कोरियन स्टोरी पसंद है तो मैंने परफ्यूम स्टोरी एक्सप्लेन की हुई है और साथ ही प्रिंसल एजेंट भी, तो जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और यहाँ पे सोयंग और वुशेंग की फाइट हो रही होती है और फिर सोयंग वुशेंग के गले पर तलवार रखती है और उसे कहती है, तुम जरा भी मूव करोगे तुम मारे जाओगे। और फिर वुशेंग कहता है, जो तुम्हारे पीछे जासूस थे वो बहुत ही दूर है तुमसे। तो ये सुनने के बाद सोयंग अपनी तलवार को हटा देती है और उसे कहती है, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। और उसके फेस पे स्माइल होती है, जैसे कि ये लोग एक दूसरे का दुश्मन नहीं होते, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। पर आप लोग मुझे ये बताएं, आपको इन दोनों में से किसकी जोड़ी ज्यादा बेस्ट लगती है, वुशेंग और सोयंग की या वी और वुशेंग की? तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। और फिर सोयंग कहती है, जब मैं तीसरे लेवल पर थी तो तुम मुझे आराम से पकड़ लिया करते थे। तो फिर वुशेंग कहता है, इस बार मैं तुम्हारे लिए सेफ्टी के लिए परेशान हूँ। और फिर वुशेंग इस सिटी में उसका वेलकम करता है। और फिर वुशेंग उसे कहीं ले जाता है। जो सोयंग के पीछे गार्ड होते हैं वो कहते हैं, सोयंग का पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। वुशेंग सोयंग को अपने रेस्टोरेंट ले आता है और उसे कहता है, ये मेरा रेस्टोरेंट है और मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाता हूँ। फिर सोयंग कहती है, मैंने सुना है तो तुम ठीक तो हो ना? तो वुशेंग कहता है, हाँ मुझ पर अटैक हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, पर किसी खास ने मुझे बचा लिया था। पर तुम हो कि मुझसे मिलने के लिए आई भी नहीं। और फिर सोयंग को समझ में आ जाता है कि वो कोई और नहीं आखी होगी। तो फिर वुशेंग कहता है, हाँ के अलावा और भी लोग थे। और फिर सोयंग उससे पूछती है, मैंने तुम्हारे साथ एक और लड़की को देखा था, वो लड़की कौन थी? तो फिर वुशेंग कहता है, उस लड़की का नाम वी है और वो उस वो किलर हॉल में वहाँ काम करती है, जो सभी किलर्स के नाम रजिस्टर करती है, और साथ ही वो मेरे साथ इस शॉप में काम भी करती है। और सोयंग ये सुनने के बाद उसे जेलसी फील होती है और वो उससे कहती है, लेकिन तुम दोनों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम दोनों का रिलेशन नॉर्मल हो? तो वुशेंग कहता है, यहाँ पर सभी लोग भाई और बहन की तरह हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और फिर सोयंग के चेहरे पे स्माइल होती है और वो सोचती है कि वो इसको अपने बहन की तरह सोचता है। और फिर सोयंग कहती है कि तुम वापस चलोगे मेरे साथ सोंग फैमिली के अंदर? तो फिर वुशेंग कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तो डाई फैमिली के लोग वहाँ पर भी अपने लोग भेजेंगे और तुम्हारी फैमिली भी खतरे में पड़ जाएगी इस वक्त, और वुयो सिटी मेरे लिए सेफ है। तो सोयंग कहती है, वो कैसे? मायो ने ऑर्डर दिया है डाई फैमिली के लोग, उनके यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। तो सोयंग कहती है, डाई फैमिली के लोग मायो को बहुत सारा गोल नायाब खजाना दे सकते हैं और फिर वो इनको आने की इजाजत दे दें। और फिर वुशेंग कहता है, मैंने इसके साथ बहुत ही अच्छी डील की है और वैसे उसे बिजनेस करना पसंद नहीं और मुझे नहीं लगता कि डाई फैमिली ऐसा करेगी। तो फिर सोयंग कहती है, और मुझे नहीं लगता कि डाई फैमिली हर वक्त तुम्हारे पीछे रहेगी, जबकि यहाँ पर टैंग और सिया और शाई फैमिली भी है। तो फिर वुशेंग कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन है। तो सोयंग कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मुझे 7 एल्डर से पता लगा था जो 7 लेवल का है। और फिर वुशेंग उसके सामने खाना रखता है और कहता है, खाना रेडी है, तुम्हें इसे खा के देखना चाहिए और बताओ ये कैसा है। और फिर गोन गोन भी उसे देख रहा होता है ऊपर से। मास्टर लू ने कहा था कि जो चीज हमें चाहिए वो इन 5 फैमिली के पास है। तो वुशेंग ने इन लोगों को यहाँ बुलाया होता है बिजनेस डील के लिए कि वो कुछ अपनी ऑलमोस्ट चीजें सेल करेगा और इससे वो चीजें ले लेगा। और इस बिजनेस में 5 फैमिली आई हुई होती है और इन 5 फैमिलियों के लेवल बहुत ही हाई होते हैं। और गायू कहती है, वुयो सिटी के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम सबको फॉलो करना होगा। वुयो सिटी में कोई भी किसी को नहीं मार सकता और किसी ने भी ये रूल तोड़ा तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। पर हम जो चीज दिखाएंगे अगर आपको वो समझ में आती है तो आप उसे खरीद सकते हैं। और फिर गायो सभी बिग फैमिली का तारुफ करवाती है एक एक करके। ये डाई फैमिली से है जिसका नाम डाई वुजी है और इनकी पावर 8 लेवल तक है। उसी तरफ वो बैठी है शाई फैमिली से है और जिसका नाम चाओ याओ किन है, सिल्वर स्पीयर यूज करती है। और जो यहाँ पे बैठे हैं वो टैंग फैमिली से है और इनका नाम टैंग ई है और ये बहुत ही अलग है और ये बहुत ही प्यार से लड़ते हैं और इनके पास छुपे हुए हथियार हैं और वो इतनी जल्दी अपनी आंखें ओपन नहीं करते और अगर उन्होंने अपनी आंखें ओपन की तो समझे वो आदमी मर गया। और फिर वो सियाई फैमिली के बारे में बताती है और कहती है, और इनका नाम एल्डर सियाई गो है और इनकी सबसे बेस्ट टेक्निक है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को अटैक दे सकती है अपना सबसे अच्छा पॉइजन देकर। और लास्ट फैमिली के बारे में बताती है और लास्ट फैमिली में आए हुए होते हैं 2 लोग, मिस सोंग यंग। गायू ये नहीं जानती कि ये दूसरा बंदा कौन है, एल्डर सोंग फैमिली का बंदा कह देती है। और अब मैं खास इंसान को इन्वाइट करती हूँ जो मेन चीजें सेल करने वाला है। जब वुशेंग आता है तो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और फिर वुशेंग आता है
और वो कहता है आप लोग बेफिक्र रहें। और वो अपने यहाँ पे आने की बात बताता है और वो कह रहा होता है एक साल पहले सॉन्ग और डाई फैमिली के बीच एक बहुत ही बड़ी नाराजगी है और फिर आधे साल तक 5 बड़े खानदानों ने मेरा पीछा किया। सच्चाई एकदम साफ है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? इसलिए कि लोग मेरा सीक्रेट जानना चाहते थे और सभी लोग ये राज जानना चाहते थे मेरे लेवल अप के तरक्की के पीछे क्या राज है। और इन सब में 5 फैमिलियां शामिल हैं। जो 5 बड़ी फैमिलियां गुनहगार हैं वो मुझे जबरदस्ती लैंड ऑफ 1000 जेट में ले गई। और अगर मैं इनके हाथ पकड़ा जाता तो मुझे डर था कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। और इसीलिए मैं पानी के जराए वो सिटी में आ गया। मैंने आपको सब बता दिया है और जो लोग मेरा राज जानना चाहते हैं मैंने इसमें लिख दिया है 5 पार्ट के अंदर 5 पेज के अंदर। और फिर शायद फैमिली की मेंबर कहती है तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी पर मुझे 5 के 5 ये चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी प्राइस क्या है। मैं तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन दे दूंगी। और फिर सामने वाला क्लैन कहता है इसमें 10,000 तुम और ऐड कर देना और तुम मुझे दे दो। तो वुशेंग कहता है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है ना मुझे गोल्ड कॉइन चाहिए मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए और तभी मैं ये पेपर्स आप लोगों को दूंगा। और फिर पॉइजन वाली लड़की बोलती है जो सियाओ फैमिली से होती है वुशेंग को गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए उसे कोई और चीज चाहिए तो वो चीज क्या है जो तुम्हें चाहिए। तो फिर बोली स्टार्ट होती है पहले पेज की और फिर वुशेंग पहला पेज दिखाता है और वो कहता है मुझे चाहिए 1 मैजिक गोल्ड प्राइस। और फिर सोंगयू कहती है मैजिक गोल्ड प्राइस स्पेशल आइटम है शाय फैमिली की मुझे नहीं लगता कि वो सेल करेंगी क्योंकि मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ही अनमोल है और ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसके पास आ रही हो है। और वो ये कह भी रही होती है तुम यहाँ छुपे हुए हो और मेरी बहन तो बहुत अच्छी थी। और उसकी बातों से लग रहा है कि वो वुशेंग को मार डालेगी पर वो करीब आने के बाद उसे वो 1 मैजिक गोल्ड कॉइन दे देती है। ये मैजिक गोल्ड पॉइंट बहुत ही शाइनिंग कर रहा होता है। और फिर टैंक वाई कहती है ये असली है उस आइटम को रख लेती है अपनी अंगूठी में। और फिर वुशेंग उसे पहले पार्ट का पेज दे देता है और फिर वो पेपर लेकर जाने ही वाली होती है और उसी वक्त वुशेंग कहता है मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं उसकी जान को नहीं बचा सका तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर शाही फैमिली की बंदी कहती है मेरे साथ फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी की फिक्र करो। और उसके हाथ में दूसरा पेपर होता है और उसे चाहिए होता है वुड डग। और वो पॉइजन गर्ल बोलती है ये आइटम तो मेरी फैमिली से बिलोंग करता है फैमिली सिया से। और वो बड़ी आराम से फ्लोर पर पांव रखकर उसके पास आती है और उसके टेबल पर बैठ जाती है और कहती है तुम तो बहुत ही बुरे हो मैं ये आइटम तोहफे में दूंगी अगर तुम्हारा सर इस सिटी में मिल जाए तो। वो अनमोल चीज निकाल कर टेबल पर रखती है और जैसे ही वुड एक दूसरे से मिलते हैं तो एक अलग सी एनर्जी बनती है और आसपास की चीजें जो फूल की कलियां होती हैं वो खुद ब खुद ओपन हो जाती है। और फिर वो पॉइजन गर्ल छुपके से अपना बिच्छू वहाँ छोड़ती है जो वुशेंग के पाँव पर आ जाता है। और जैसे ही सेकंड पेपर देने वाला होता है और उसी वक्त पॉइजन अपना डंग मारने वाली होती है पर वुशेंग बहुत ही समझदार होता है और वो और फिर वुशेंग अपनी अंगरिंग से एक स्प्रे निकालता है और चारों तरफ स्प्रे करता है जिससे वो बिच्छू मर जाता है। और फिर वुशेंग कहता है ये हर कीड़े मकोड़ों को मारने की पावर रखता है अगर तुम्हें ये चाहिए स्प्रे तो तुम रख सकती हो। और साथ में वो पेपर भी रखता है। और फिर पॉइजन गर्ल गुस्से में वो पेपर लेकर चली जाती है। और फिर तीसरे पेपर की बोली लगती है और वो अनमोल आइटम होती है लिंग लोंग का पानी जिसकी आंखें बंद होती हैं और वो बोतल उसके पास कर देता है। और जैसे ही टैंक वाय उस बोतल को ओपन करती है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बन जाती है। और फिर टैंक वाय उसे बंद करती है तो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। और फिर वुशेंग तीसरा पेपर सामने रखता है तो वो वहीं पर बैठे बैठे वो पेपर ले लेता है। और फिर चौथे पेपर की बोली लगती है और चौथी आइटम होती है लैंड ऑफ हार्टलेस जो सॉन्ग फैमिली के पास होती है। और वो मिस्ट्री आदमी सोंगयू को बॉक्स देता है जिसे सोंगयू वुशेंग के पास आती है और उसे वो बॉक्स देती है और ओपन करती है तो उसके अंदर लैंड ऑफ द हार्डलेस होता है। और उस बॉक्स को ओपन करते ही और इतनी तेज हवा होती है जैसे कि बवंडर हो। और वो जैसे ही बॉक्स बंद करती है सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। और फिर वुशेंग चौथा पेपर भी सोंगयू को दे देता है। और फिर पांचवे पेपर की बारी आती है और गोयू बोल ही रही होती है उसी वक्त डाई फैमिली वहाँ से जम लगा कर वुशेंग के पास आता है। और वुशेंग कह रहा होता है मुझे 5 पेपर की जगह पर हार्ट ऑफ फायर एंगर चाहिए। और वो डाई फैमिली वाला अपना नकाब हटाता है और वो कहता है अभी
भी डाई फैमिली से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा। और जैसे ही वो तलवार निकाल कर वो शेंग के पास आता है और फिर मायू अपनी पावर से डाई फैमिली के उस बंदे को मार डालता है। और फिर मायू कहता है अगर किसी ने भी रूल ब्रेक किया उसका एंड इसी की तरह होगा। और सभी को पता लग जाता है कि मायू भी यहीं पर है। और फिर मायू कहता है जितने भी डाई के लोग हैं वो सभी लोग यहाँ से चले जाएं। और एक मिस्ट्री आदमी आता है और कहता है रुक जाओ इतनी जल्दी भी क्या है। और मायू तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मायू इतनी जल्दी भी क्या है कि ये रियल में ये डाई फैमिली से है भी या नहीं। और फिर गॉन गॉन कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो कहता है मैं थर्ड एल्डर डाई फैमिली से हूँ और मेरा नाम है डाई वूजी। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देगा। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। जब तक के लिए बाय।